हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्रिल्ला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टतरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साक्षांग दंडवत व्यापन करता हूँ तथा परम पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत माधव महाराज जी के चरणों में मेरा साक्षांग दंडवत प्रणाम है। और परम पूज्यपाद नरसिंह महाराज तथा परम पूज्यपाद शांतम महाराज और परमहंस महाराज सबके चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। उपस्थित मंच आसीन पे सबके चरणों में वैष्णव वैष्णव वृंदों के मेरा यथा योग्य प्रणाम है। महाराज जी ने आदेश किया कि हम भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में कुछ बोलें। हरे कृष्ण। किनन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने कि जाता हलादो महामनाः आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नाता शुचिरलंकृता। भगवान सुखदेव गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे भगवान के पुत्र जैसे जन्म नंद महाराज जी के पुत्र जैसे जन्म लिया, आज मानो नंद महाराज महान भाग्य वाले हो गए हैं, क्या महान भाग्यशाली ऐसे हो गए। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान उनके घर में जन्म लिया है। देखो नंद महाराज जी के दो बहन हैं, एक का नाम नंदा और एक का नाम है सुनंदा, और उनके भाई हैं पांच। हाँ? अब देखो भाई पांच है और उनके पिताजी का नाम है परजन्यो। अब देखो नंद महाराज जी जमुना घाट पे बैठे थे और इतने में उनकी बहन आई और आके नंद महाराज जी को बधाई दिया। बोलते भैया जी बधाई हो। हाँ? कोई बधाई देंगे नहीं देंगे? अरे लेने से हम लेना नहीं चाहते कुछ आपसे, बस केवल मुंह से कम बोल दो। बोलो भैया जी बधाई हो। दूर दम नहीं है इधर। हरे कृष्ण। जोर से मैया जी मत बोलना, पहले भैया जी बोलेंगे। हाँ बोलो भैया जी बधाई हो। बधाई हो बधाई हो। तो नंद महाराज जी को जाके जैसे बधाई बोली तो बोलते कहा बात है लाली, काही बात को तू बधाई दे रही है, कहा हो गया है। तो बोलती है देखो भैया जी आपने इतना भगवान का अभिषेक किया, इतना अपने संत ब्राह्मणों को जमाया है, इसके कारण या फल स्वरूप से आपके घर में नील मणि के जैसे सुंदर बालक भयो है। हाँ? अब देखो नंद बाबा जो थे, हाँ? हाँ?
सत्तर साल के बाबा कितने बरस के है गए मालूम है? बोलते 60-70 वर्ष के बाबा अब है गए मात्र 16 वर्ष के, खुशी के मारे। अब देखो नंद महाराज बोलते स्नाता सुचीर अलंकृता, जमुना जी में स्नान किया और सुंदर वस्त्र पहने, बगलवंती पहने, और देखो सुचीर अलंकृता, माथे में चंदन भी लगायो है बाबा। और एक ब्रजवासी के छोरों को बोले कि नेक लइयो दर्पण, और जैसे दर्पण लाए बोलते कैसे लग रहा हूँ? बोलते बाबा सही सही बताए दूँ? बोलते बताओ। बोलते बिल्कुल दुल्हा जैसे लग रहे हो। हाँ बाबा इतनी खुश। अब देखो बाबा आ रहे हैं, बोलते आहुई वेदज्ञान विप्राण, वेदवादी ऋषियों के पास बाबा आए और आके बोलते हैं बाबा हमारे हम आपके आपके कृपा से हमारे घर में बहुत सुंदर एक नील मणि के जैसे बालक भयो है ऐसा। और बोलते आप सबको चलना पड़ेगा और हमारे कन्हैया का जातक कर्म संस्कार करना पड़ेगा। अब देखो कन्हैया का जातक कर्म संस्कार करने के लिए विप्रों को बुलाए। विप्र कौन है? सभी विप्र मंडली आ रहे हैं भगवान के जातक कर्म संस्कार के लिए। कि वाचित्वा स्वस्तेनम् जातकर्म आत्मजस्वै कारयमास विधिवत् पितृदेवार्चनम् यथा। बोलते वाचित्वा स्वस्तेनम्, स्वस्ति वाचन करवाए अपने पुत्र के जन्मदिन पे, और जातक कर्म संस्कार कराया। जातक कर्म संस्कार किसको कहते हैं? शुद्ध हिंदी शब्दकोश में देखने से पता चलता है कि जातक कर्म संस्कार किसको कहते हैं। जातक कर्म संस्कार कहते हैं नाल छेदन संस्कार को। जो नाल छेदन होता है ना, उसके बाद जातक कर्म संस्कार किया जाता है। अब बताओ कन्हैया का अगर नाल छेदन गोकुल में हुआ तो क्या कन्हैया मथुरा में जन्म लिया है क्या? हाँ लिया? नहीं लिया ना। तो कन्हैया मथुरा में जन्म नहीं लिया तो मथुरा में क्या हुआ? तो बोलते मथुरा में भगवान प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिया। तो बोलते हैं क्या माता देवकी की गर्भस्तुति तो हुआ था? बोलते गर्भस्तुति तो हुआ, परंतु देखते ही देखते एक ही क्षण में भगवान एकदम चतुर्भुज रूप में शंख चक्र पद्म गदा लेकर के प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म मेरा दिव्य है। परंतु नंद महाराज जी के घर में भगवान जन्म कैसे लिया? बोलते एक प्राकृतिक जैसा बालक होता है ना, ठीक इसी ही प्रकार नंद महाराज जी के घर में नंद कन्हैया जन्म लिया है। बोलते ऐसा क्यों? बोलते देखो ऐसा इसीलिए है कि नंद और जशोदा मैया का जो वात्सल्य है वो पूर्ण वात्सल्य है, और देवकी और जो वसुदेव का वात्सल्य है उसमें ऐश्वर्य मिक्स है। हाँ तो इसीलिए, परंतु नंद जशोदा मैया का जो वात्सल्य है वो पूर्ण वात्सल्य है, वो अपने गोपाल को केवल गोपाल ही मानती हैं, भगवान नहीं मानती। तो इसीलिए देखो तो बोलते हैं कि कहीं कहीं फिर देवकी नंदन क्यों कहते हैं कन्हैया को? तो बोलते देखो कहीं कहीं देवकी नंदन इसलिए कहते हैं, हरिवंश में और विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है क्या कि द्वेना
नाम्नि नन्दभार्यया यशोदा देवकी च। बोलते द्वयोर नाम्नी, बोलते देखो दो नाम है, जैसा ही यशोदा मैया का नाम है देवकी, ऐसा ही देवकी मैया का नाम भी देवकी है। हाँ, तो कभी कभी जो देवकी बोल के कन्हैया को संबोधित किया जाता है तो वो क्या समझना चाहिए, बोलते यशोदा मैया के लिए ही कह रहे हैं। अब आप कहोगे कि सुखदेव गोस्वामी महाराज जी फिर स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बोले, हाँ कोई कह सकते हैं, तो बोलते सुखदेव गोस्वामी महाराज जी इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं कहा क्योंकि परीक्षित महाराज जी जो सुन रहे थे, वो जो सुन रहे थे, बोलते वो उनका संबंध कृष्ण के साथ है ना, कैसा संबंध है कृष्ण के साथ, बोलते उनके बाबा के, हाँ उनके बाबा के, हाँ भगवान कौन लगते हैं, बोलते सारे जी लगते हैं, हाँ देख लो। अब देखो तो ये संबंध होने के कारण, और जो उनके बाबा जो कुंती माता है वो वसुदेव जी के बहन लगते हैं, इसके कारण इस संबंध को दिखाने के लिए सुखदेव गोस्वामी महाराज जी उनको इशारा से बोले, स्पष्ट से नहीं बोले। तो हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं अगर मान लो कि कोई व्यक्ति कह देता है ऐसे कि भगवान कन्हैया का जन्म मथुरा में हुआ है, तो फिर लोग ऐसे कहते, सुखदेव गोस्वामी महाराज जी फिर ऐसे कहते कि नंदस्त्व आत्मजो मत्वा, ऐसे कहते, मतलब नंद महाराज जी ने जो अपना पुत्र उत्पन्न हुआ है ऐसा मन में सोच रहे हैं, वास्तविक में उनका पुत्र वो है ही, ऐसा कहते ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नंदस्त्व आत्मजो उत्पन्ने, मतलब नंद महाराज जी के आत्मज है कन्हैया, नंद महाराज जी के आत्मज किसको कहते हैं, बोलते आत्मजो वही जायते, हाँ स आत्मज, मतलब अपने आत्मा से जो उत्पन्न होता है उसको आत्मज कहा जाता है। तो अपने आत्मा से उत्पन्न के मतलब क्या होता है, बोलते अपने शरीर के शुक्राणु से जो संतान उत्पन्न होता है उसको आत्मज कहते हैं। तो बोलते देखो ऐसे ही नंद महाराज जी के मन से, हाँ और यशोदा मैया के मन में जा करके हृदय में प्रवेश करके भगवान इस प्रकार जन्म लिया है। और क्या कह रहे हैं, बोलते देखो जिस समय कन्हैया को जैसे मथुरा में कन्हैया को लेकर के जिस समय निकले थे ना वसुदेव, उसी समय जोगमाया को उधर हाँ गोकुल में जन्म दिया था जोगमाया को। इसलिए ये भागवत में स्पष्ट है, क्या कह रहे हैं कि दृश्यतानुजा विष्णु, दृश्यता हाँ अनुजा विष्णु, मतलब भगवान का अनुज है, भगवान का अनुजा है, अनुजा मतलब छोटी बहन, हाँ तो भगवान का छोटी बहन अगर हाँ हुआ तो कौन हुए, क्या हुआ, कुछ इशारा कर रहे हैं, वो कुछ इशारा कर रहा था, तो क्या हुआ, भगवान का छोटा बहन हुआ, तो छोटा बहन हुआ तो इसके मतलब कन्हैया पहले जन्म लिया। और जगह में क्या कहते हैं कि नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समध्यत गोविंदाख्या पुमान कन्या सम्मिका मथुरांगता।
क्या कह रहे हैं? बोलते देखो नंद महाराज जी के जो पत्नी है उन्होंने दो बालक को जन्म दिया है, जमच बालक, बालिका बालक, दो संतान, दो संतान को जन्म दिया है। तो दो संतान जो है जमच, जमच के मतलब होते जुड़वे, है ना। तो पहले कन्हैया हुए, उसके बाद जोगोमाया मतलब उनकी बहन। बोलते ये कहाँ लिख रहा है? बोलते है कृष्ण यामल में लिख रहा है। तो कहने की तात्पर्य कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ, इससे स्पष्ट होता है कि कन्हैया का जन्म तो गोकुल में हुआ है। हाँ, इसलिए कन्हैया का जन्म मथुरा में नहीं गोकुल में हुआ है। मथुरा में कन्हैया का प्रकट हुआ है और गोकुल में कन्हैया का जन्म हुआ है। अब देखो कन्हैया की जन्म की खुशी में सभी ब्रजवासी बधाई लेकर के आ रहे हैं, आ रही हैं। हाँ, देखो बधाई ऐसी चीज होती है कि बधाई गाई जाती है, बधाई दिया जाता है और बधाई लिया भी जाता है। हाँ, तो इसीलिए बधाई एक ऐसी चीज है। अब देखो सब ब्रजवासी बधाई लेकर के आ रहे हैं एक एक करके। अब देखो उसमें एक माता जी थी, हाँ, उसमें एक माता जी थी जो 95 की थी। अब देखो उन्होंने भी सोचा कि कन्हैया का जन्म का खुशी है तो हम भी जाना चाहते हैं, कुछ बधाई तो दे के आऊं। अब देखो ब्रज में क्या हो रहा है कि ब्रज में ये सब ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं कन्हैया के जन्म की खुशी में। कैसे आनंद मना रहे? बोलते इतने बड़े बड़े माखन के गोले बनाए और गोले बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। हाँ, हम यहाँ फेंकेंगे तो लोग सोचेगा देखो इतना धन बर्बाद करता है। हाँ, परंतु भगवान के जगत में ऐसा नहीं होता। देखो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं तो वहाँ भीड़ में एक 95 की माता जी आई। हाँ, भगवान की कृपा से इनके मुंह पे एक भी दांत नहीं। अब वहाँ ने वो माता जी कहने लगी कि क्यों रे लालाओं का भयो है। और जैसे कहा ना का भयो है, अब वो वेदांती मैया जैसे बोली का भयो है तो ब्रजवासी के छोरों ने मालूम में का कियो, बोलते एक माखन के गोला मारो सटा। अब देखो दांत तो है ही नहीं, रुके ही कहाँ, फटाक से पेट में चलो। पहले तो वहां ने मुंह चाटो और चाट के फिर कहने लगे कि क्यों रे लालाओं का भयो है भैया। बोलते देखो अरे अम्मा अभी भी तो को ना मालूम। बोलते ना लाला का भयो है? बोलते अरे नंद जी के घर में छोरो भयो है। हाँ, बोलते हम बे ऐसो छोरो तो रोज ही होयो कर। हाँ, अब देखो वो जो मैया थी, अब वो मैया हो गई 16 साल की। अब बड़े भाव से बड़ी धूमधाम से क्या कर रही है, बधाई गा रही है। कैसे गा रही है? नंद जी के आंगन में। देखो मेरे को लोग कहते हैं, मैं एक बात बता दूं, लोग कहते हैं कि थोड़ा ज्यादा नचाने वाला गाओ, तो परंतु भागवत में ज्यादा नाचने से ना भाव बिगड़ जाता है ज्यादा, तो इसीलिए मैं थोड़ा ठहरा वाला भजन गाता हूँ। तो इसलिए इस भजन को सुनो और नाच भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, क्योंकि नंद जी के महल में आनंद हो रहा है इसलिए। नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जो के आंगन में
बज रही आज बधाई नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई नगाड़ा जहो नगाड़ा जहो नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नित्य करण को आई नगाड़ा जोर से बजा दे नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नित्य करण को आई नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नित्य करण को आई बाजे अर बाजे सहनाई ढोल झांझ मृदंग बाजे अर बाजे सहनाई ढोल झांझ मृदंग बाजे अर बाजे सहनाई ढोल झांझ मृदंग बाजे अर बाजे सहनाई सज धज कर सब सखियां आई गाने लगी बधाई सज धज कर सब सखियां आई गाने लगी बधाई मैं गावण को आई अरवैणा चढ़ को आई मैं गावण को आई मैं गावण को आई अरवैणा चढ़ को आई नगाड़ा 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 जोर से बजा दे मैं तो नित्य करण को आई नगाड़ा जोर से बजा दे नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नित्य करण को आई नगाड़ा सजाए सखी सब मैया के ढिंग आई मंगल थाल सजाए सखी सब मैया मंगल थाल सजाए सखी सब मैया के ढिंग आई मंगल थाल सजाए युग युग जी बेते रो लालाए आशीष सुनाई हो युग युग जी बेते रो लालिए आशीष हमारी युग युग जी बेते रो लालाए आशीष सुनाई युग युग जी बेते लालाए काली घटा छाई सब दौड़ दौड़ कर आई काली घटा छाई आए काली घटा छाई सब दौड़ दौड़ कर आई काली घटा छाई सब दौड़ आई नगाड़ा 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 जोर से बजा दे मैं थोड़ी करण को आई नगाड़ा जोर से नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नित करण को आई
आवे नंद भवन में भीड़ भई नंद भवन में भीड़ भई आज जो मांगो सो पावे नंद भवन में भीड़ भई हर पल दर्शन पाओ लाल की यही आशा हमारी हर पल दर्शन हर पल दर्शन पाऊं लाल की यही आशा हमारी हर पल दर्शन पाऊं लाल की लाला ऐसो आयो घर आंगन बजत बधाई लाला ऐसो आयो लाला ऐसो आयो घर आंगन बजत बधाई लाला ऐसो आयो बधाई नगाड़ा 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 जोर से बजा दे मैं तोड़े सकरन क्यों आई नगाड़ा जोर से बजा दे नगाड़ा जोर से बजा दे मैं सोने सकरन को आई नगाड़ा जोर से बजा दे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे